आगे तो नमक के साथ ही खाने पड़ेगी जी, अब तो सब्जी तो ले नहीं सकते हम, इतनी महंगी सब्जी है। पर मैं ये सरकार नूं कहना चाहुंदा कि कृपा करके ये जो सब्जी वाल थोड़ा ध्यान दिता जाए, जिहड़े साडे मंडी बोर्ड दे चेयरमैन है उन्हां नूं इहदे बारे सोचना चाहीदा कि की कर रहे ने। अच्छा। मगर जैसे कि ये जामुन 200 रुपए के लिए जो सीजन का है और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर इसके रेट सुनने के बाद बीपी ज्यादा हो गया, शुगर अपने आप डाउन हो रही है क्योंकि हर एक की पहुंच से बाहर है। पूरी फैमिली हम घर में 4-5 जने हैं और मैं मुझको लगता है ये इतनी की भिंडी मैं लेके जाऊंगा पाई है भिंडी, क्योंकि इतने फैमिली में इतनी सब्जी इसी से सहारना पड़ेगा मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। सारे भारत में जो सब्जियों के रेट हैं इस समय आसमान को छू रहे हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये कि वो सब्जियों के साथ कैसे अपने किचन को मेंटेन करें। तो जो सब्जियों के रेट बढ़े हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं उनकी राय कि वो अपनी किचन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज की डेट में जो सब्जियों के रेट है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? सब्जी जड़ी है जी आसमान रेट छू रहे ने, क्योंकि बहुत महंगी होगी सब्जी, मतलब कि हजे बरसात भी शुरू नहीं हुई फिर भी सब्जी का रेट जरा बहुत ज़्यादा है। प्याज 50 रुपये तो थले नहीं है, भिंडी 80 तो थले नहीं है, अरबी 60 तो थले नहीं है, ये तोरी जी हरी तोरी है जिन्होंने राम तोरी कहते हैं ये भी 80 तो थले नहीं है। अगर फ्रूट वाल देखो जामन जी 250 थले नहीं है, अंब भी जोड़े है 50-60 रुपये तो थले नहीं है, पपीता भी तो यही हाल है, बाकी जिन्हें भी है शिमला मिर्च जो है वो 150-120 रुपये किलो है, तो होर भी जिन्नी भी सब्जियां है बैंगन है वह भी 70-80 रुपये तो थले नहीं है, टमाटर का रेट टमाटर जोड़े है जिन्होंने कोई पुछता नहीं सी वो भी अज 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। समझ नहीं आती भी सरकार की कर दी, अभी ये नहीं कहते कि सरकार को कोस रहे हैं, पर मैं ये सरकार को कहना चाहता कि कृपा करके ये जो सब्जी वाल थोड़ा ध्यान दिता जाए, जोड़े साडे मंडी बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने इस बारे सोचना चाहिए कि ये की कर रहे हैं। देखो जरा जिन्हें भी है मंडी से जाओ तो मतलब इन्ना रेट ज़्यादा हो गया कि सब्जी को हाथ नहीं लाया जाता, तो इस करके इन्हें सोचना चाहिए। बाकी सब्जी वाले भी जोड़े उन्होंने पूछिए वो कहते सू मिलती महंगी है आप की कर सकते हैं, तो होर देखो घिया घिया 80 रुपये थले नहीं है, भी जिन्नी सब्जी जो भी सब्जी आलू जोड़े है वो 30-35 रुपये थले नहीं, पहाड़ी आलू 60 रुपये थले नहीं है, फिर तुम देखो पालक है 40 रुपये थले नहीं है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी सब्जी लेने आए हैं आप? जी जी। क्या लगता है सब्जी के रेट्स को देख के आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा जी सब्जी के रेट, अब देखो पूरी फैमिली हम घर में 4-5 जने हैं और मैं मुझको लगता है ये इतनी की भिंडी मैं लेके जाऊंगा पाई है भिंडी, क्योंकि इतने फैमिली में इतनी सब्जी इसी से सहारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतनी महंगाई है कि मैं इतनी नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं आधा किलो या किलो लेके जाऊं, क्योंकि इतनी महंगाई, क्योंकि प्राइवेट इंसान जड़ा या वो मतलब इन्नी महंगाई च कितों खाएगा, जिनी महंगाई अज बढ़ रही है, आलू जिहड़े आ 10 रुपए तक के खाने, अज जिहड़े आ 40 रुपए 50 रुपए आलू होए पे ने, भिंडी आ 60 रुपए भिंडी होई पी आ, और आम आदमी नॉर्मल आदमी रोटी कितों खाएगा दसो? आगे तो नमक के साथ ही खानी पड़ेगी जी, अब तो सब्जी तो ले नहीं सकते हम, इतनी महंगी सब्जी है। क्या रेट जो सब्जी के रेट है उसके इतने ज्यादा रेट होने के कारण क्या लग रहे हैं आपको, क्यों इतने ज्यादा रेट हो गए हैं? ये बस स्टॉकिस्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, यही कारण है स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं। तो इसके लिए इसका क्या सलूशन क्या हो सकता है अभी ये सब्जियों के रेट जो, क्योंकि ये बेसिक चीज है, अगर सब्जी महंगी होती है तो उसका सीधा जो असर है वो हमारी किचन पे हमारी रसोई पे हमारी पॉकेट पे पड़ता है। कारण तो कुछ नहीं, बस होल्ड करके बैठे हैं व्यापारी, होल्ड करके बैठे सब्जी। तो इसका सलूशन आपको लगता है सलूशन इसका गवर्नमेंट निकालेगी? सलूशन गवर्नमेंट उनको होल्ड करने से रोके। ठीक है जी, हर एक चीज महंगी है, क्या खाओगे आप? आलू 25 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो बिक रहा था आलू पीछे। ठीक है जी, फिर अब गरीब आदमी तो आलू ही खाता है ना। सब्जी दे रेट तो जी आजकल बहुत ज्यादा है, प्याज ला लो 100 दे दो की, ठीक है, टमाटर ला लो 100 रुपए किलो, जेड़ा मजदूर बंदा है जे ओदी 400-500 दिहाड़ी है तो की खाऊगा?
इस करके सब्जी वालों तो बहुत जनता परेशान साड़ी एक मंग ला लो कुछ ला लो कृपा करके सरकार अगे मंग है कि इन्होंने रेट घट की लगता कि कारण की हो सकते सब्जियां महंगी होने कारण वेखो हाले तो इन बारिशा भी नहीं आई भी जो बारिश करके गई है भी सब्जी महंगी हो गई मीह नाल गल गई कुछ हो गई कोई इन्ने हड़ नहीं आए गए अगे तो हड़ा का कारण से भी हड़ा करके सब्जी वो होगी महंगी पर इस बार कुछ नहीं पता भी सब्जियों के रेट क्यों इन्ने बढ़ रहे हैं की कहना चाहते हो मैडम तुम सब्जी बारे कुछ बहुत रेट हाई है बीच घट होना चाहिए देखो जनानियां भी की कर बेचारिया उन्होंने बच्चे भी पालने उन्होंने सब कुछ करना पर लेकिन एक गलत सरकार को चाहिए कि नहीं रेट घटा जिदा मर्जी ये तो भीर जी सरकार ही दसूगी किस गल तो महंगियाँ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पर लेकिन सानू पता कि साढ़े घर के कि औखा है कमाई करनी ज करना असं सब्जियों के ही इदा करी जाऊँगे तो बच्चों को किदा करेंगे अगर पढ़ावे लिखावे सब्जियां ही बहुत महंगी हैं की कहना चाहते हो मैडम तुम इस चीज़ बारे सब्जियां महंगियां हैं बस यही कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि थोड़ी सस्तियां कर जो भी किचन की साड़ी आइटम है वो बारे ध्यान दिता जाए जिमें सिलंडर है वह भी इन्ना महंगा है तो आम आदमी की पहुँच तो जरा बाहर ही सारिया चीज़ा इस करके सरकार इन्होंने चीज़ों वाल थोड़ा ध्यान देना चाहिए है। वैसे बजट भी आ रहा 23 तरीक न सरकार बजट हाँ पेश कर रही है तुम्हें बजट बारे नॉलेज है कुछ की सरकार की कहना चाहते हो बजट बारे जो सरकार बजट जी बनाती है तो किस तरह का बजट होना चाहिए बजट जरा मेन तो किचन में लैके होना चाहिए कि किचन की हर आइटम सस्ती होनी चाहिए है बाकी ये है कि जो भी मतलब कि बजट आऊगा वो थोड़ा आम जनता की सहूलतों देख के तैयार किया जाए मतलब ठीक है मैम तुम की कहना चाहते हो सब्जियों के रेट बारे की बोलना चाहते हो सब्जियों के रेट वाकई बहुत ज़्यादा है प्याज टमाटर आलू ये साड़ी जरूरतमंद चीज़ा है जे इन्हों रेट बढ़ा देंगे तो हर सब्जी प्याज टमाटर तो पैना ही है तो प्याज टमाटर ही उन्होंने 100-100 रुपये किलो कर रखे तो किमें आप मतलब आपकी किचन का आइटमों पूरा करा की कहना की चाहते हो इस बारे बस आई मतलब मंग है कि सरकार मतलब रेट घट करे सब्जियां दे ताकि असी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकीए मिडल क्लास फैमिली गरीब फैमिली तो बिल्कुल ही इस चीज़ को नहीं पूरा कर पाती हाँ अपनी वोट लैन वास्ते हमेशा आ जाते हैं कि हाँ भी वोट दे दो पर कभी सरकार ने पूछा तक नहीं कि लेडीज़ का की हाल है कितना हैगा भी रसोई की इन्नी महंगाई तेल कितना महंगा हो रहा है रिफाइंड तेल सब कुछ देखो कितना महंगा हो रहा है मेरा नाम हरी सिंह और मैं यहाँ मोहाली में रहता हूँ प्राइवेट जॉब करता हूँ हाँ जी क्या क्या जॉब क्या करते हैं मेरे प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर का काम है अच्छा तो आज मैं बच्चों के लिए फ्रूट लेने आया था मगर जैसे ये जामुन 200 रुपए किलो जो सीजन का है और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है मगर इसके रेट सुनने के बाद बीपी ज्यादा हो गया शुगर अपने आप डाउन हो रही है क्योंकि हर एक की पहुंच से बाहर है जो सीजन का फ्रूट 200 रुपये किलो और ये 180 रुपये किलो और नॉर्मल जो फ्रूट है सीजन के हिसाब से आते हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चों को खिला पाएँ मगर वो महंगाई करके हम सबकी पहुँच से बाहर हो रहा है क्योंकि मैंगो है जो हमारा 200 रुपये किलो जा रहा है जो नॉर्मल परिवार है 4-5 जनों का परिवार है और प्राइवेट नौकरी वो नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे तो कहते हैं बच्चों को नहीं पता उन्हें फ्रूट चाहिए नहीं चाहिए क्या रेट है बच्चों ने सिर्फ डिमांड करनी है मगर पेरेंट्स को पता अगर ये फ्रूट खाने लगे 200 रुपये किलो वाले तो घर का बजट हिल जाएगा उससे हर एक की दिक्कत है हम सरकार को चाहेंगे कम से कम कुछ तो लगाम लगाएं इन चीज़ों पे नहीं तब जो हर कोई खरीद पाए ये चलो सीजनल जो फ्रूट भी है उसके महंगा होने का कारण क्या है आपका क्या लगता है आपको ये महंगा रंग का जमाखोरी वगैरह और कुछ नहीं सरकार इन पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले कम से कम कुछ तो रेट हो जो आम आदमी खरीद पाए क्योंकि इसी हिसाब से अगर रेट बढ़ता रहेगा तो आम आदमी नहीं खरीद पाएगा उसी पहुंच से दूर जाता जाएगा चलिए कोई नहीं हाँ जी अब हर एक सब्जी का वही जो नॉर्मल सब्जी हमारे टमाटर प्याज आलू है उसके रेट भी बहुत हो रखे हैं ठीक है ना प्याज 40 रुपये किलो टमाटर 100 रुपये किलो अब आदमी जब टमाटर ले ही नहीं पाएगा तो तड़का क्या लगाएगा